नमस्कार दोस्तों, आज हम शासक और इमारतें अध्याय का अगला भाग पढ़ने जा रहे हैं। पिछले भाग में हमने राजपूतकालीन स्थापत्य कला के बारे में चर्चा की थी। उनके विभिन्न मंदिरों के बारे में हमने अध्ययन किया। आज की इस वीडियो में हम सल्तनतकालीन स्थापत्य कला के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत कुतुब मीनार, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, अलाई दरवाजा, बलबन का मकबरा तथा गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे के बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ मुगल काल की स्थापत्य कला के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हुमायूं का मकबरा, दीवाने आम तथा दीवाने खास के बारे में हम अध्ययन करेंगे, लाल किला, जामा मस्जिद और ताजमहल की हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। बच्चों, सल्तनत काल में स्थापत्य कला के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई। यह एक नई शैली थी जो कि भारतीय तथा इस्लामिक शैलियों का सम्मिश्रण था। इसलिए स्थापत्य कला के इस शैली को इंडो इस्लामिक शैली के नाम से जाना जाता है। दिल्ली के सुल्तानों ने विशाल एवं सुंदर महलें, मस्जिदें, इमारतें इत्यादि बनवाए। आइए इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यह है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार पहली इमारत थी जिसमें इस्लामी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। उसकी मृत्यु के बाद इस कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। कुतुब मीनार का निचला भाग 15 मीटर है, जो ऊपर की ओर जाकर 3 मीटर रह जाता है। इसमें 7 मंजिलें थी। 3 मंजिलें नष्ट हो गई और 4 अभी भी सुरक्षित हैं। ऊपर चढ़ने के लिए इसमें 375 सीढ़ियां बनाई गई। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद सल्तनत कालीन निर्मित पहली मस्जिद है। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाई गई यह मस्जिद कुतुब मीनार के निकट स्थित है। बाद में इस मस्जिद के क्षेत्रफल को बढ़ाया गया। यह है अलाई दरवाजा। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। इसके निर्माण में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया गया था। यह दिल्ली के कुतुब मीनार के निकट स्थित है। इसे इस्लामी वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है। बलबन का मकबरा। यह मकबरा दिल्ली में स्थित है। इसे बलबन ने बनाया था। शुद्ध इस्लामिक पद्धति से निर्मित यह भारत का पहला मकबरा है। मकबरे के द्वार की मेहराबें भारत की तुर्की मेहराबों में सर्वोत्तम है। आगे है गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। इसकी दीवारें चौड़ी और मिस्र के पिरामिडों की तरह भीतर की ओर झुकी हुई है। यह मकबरा चतुर्भुजाकार है। मकबरे के ऊपर संगमरमर का सुंदर गुंबद बना हुआ है। लाल पत्थर से निर्मित इस मकबरे के चारों ओर मजबूत मीनार का निर्माण किया गया है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं मुगल काल की स्थापत्य कला के बारे में। मुगलकालीन स्थापत्य कला मध्य एशिया की इस्लामी और भारतीय कला का मिश्रित रूप है। मुगलकालीन स्थापत्य कला की शुरुआत बाबर के समय से हुई थी। उसने पानीपत के निकट काबुली बाग में एक मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। धीरे धीरे मुगल काल की स्थापत्य कला का विकास होने लगा। हुमायूं का मकबरा। यह मकबरा अकबर के शासनकाल में दिल्ली में बनी पहली इमारत है, जिसे हुमायूं की विधवा पत्नी हमीदा बानो ने बनवाया था। इस मकबरे को एक वफादार पत्नी का अपने स्वर्गीय पति के लिए श्रद्धांजलि का प्रतीक माना जाता है। इस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। दीवाने आम। दीवाने आम एक आयताकार कक्ष है। यह खंभों पर निकली हुई बरामदों की कक्षा थी। अकबर एक सिंहासन पर बैठता था और अपने मंत्रियों से सलाह मशविरा करता था।
दीवाने खास। यह एक वर्गाकार भवन है। इसके मध्य में बने ऊंचे चबूतरे पर बैठकर बादशाह अकबर अपने कर्मचारियों की बहस सुनता था। दीवाने खास में ही अकबर का प्रसिद्ध इबादत खाना था, जहां प्रत्येक शुक्रवार को विभिन्न धर्मों के विद्वानों का विचार विमर्श सुना जाता था। अगली इमारत है लाल किला। शाहजहां ने दिल्ली में लाल किले का निर्माण कराया था। यह लगभग 9 वर्षों में बनकर तैयार हुआ। किले की प्राचीर को लाल बलुए पत्थरों से निर्मित किया गया है, इसीलिए इसको लाल किला कहा जाता है। इसी में दीवाने आम तथा दीवाने खास है। मुगलों द्वारा निर्मित यह अंतिम किला था। शाहजहां ने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण भी कराया। यह लाल किले के समीप एक ऊंचे चबूतरे में स्थित है। यह भारत की विशालतम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण मस्जिद है। इसमें 3 प्रवेश द्वार हैं और 3 गुंबद हैं। शाहजहां ने आगरा में ताजमहल का निर्माण कराया। यह विश्व के अति सुंदर भवनों में एक है। विश्व के 7 आश्चर्यों में ताजमहल एक आश्चर्य है। शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में उसकी स्मृति में ताजमहल को बनवाया था। ताजमहल का निर्माण 1631 ईस्वी में शुरू हुआ और 1653 ईस्वी में खत्म हुआ, अर्थात इसको बनने में 22 वर्ष लग गए। ताजमहल के सबसे ऊपरी भाग पर एक सुंदर तथा सुडौल गुंबद स्थित है और 4 कोनों पर एक एक मीनारे भी हैं। आज भी ताजमहल को देखने के लिए रोज हजारों सैलानी देश विदेश से आते हैं। यह भारत का सांस्कृतिक धरोहर है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं आज के इस अध्याय में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने सल्तनत कालीन स्थापत्य कला में कुतुब मीनार, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, अलाई दरवाजा, बलबन का मकबरा, गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे के बारे में जाना। साथ ही मुगल काल की स्थापत्य कला में हुमायूं का मकबरा, दीवाने आम, दीवाने खास, लाल किला, जामा मस्जिद और ताजमहल के बारे में अध्ययन किया। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।